हाय गाइस, तो अभी हो रहा है आज हल्दी वाला डे है। हल्दी तेल जो होता है मंडप वगैरह वो हो रहा है, तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। मैं काफी ज्यादा लेट हो गई हूँ आज फंक्शन में ऊपर जाने के लिए। ऊपर टेरेस में सारे प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं, मैं एक ही ब्लॉग में सारी चीजें इंक्लूड करती जा रही हूँ। पहले आपने देखा हुआ था एक ब्लॉग, पहले आपने कुछ और क्लिप्स देखी थी, तो अब हम चलते हैं ऊपर। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हल्दी का डेकोरेशन कुछ इस तरीके का था, बट जो हल्दी के क्लिप्स थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बीबी के साथ में नीचे थी। मैं जस्ट रसम करने के लिए थोड़ी देर के लिए ऊपर गई हुई थी जब तक सारी चीज़ें हो चुकी थी, और जो क्लिप्स वगैरह थी वो मुझसे मिस हो गई हैं। तो ये था हमारा हल्दी का जो फंक्शन था वो था, हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे पंडित जी वगैरह बैठे हुए हैं, कुछ शगुन वगैरह चल रहा है, मतलब नेंगचार वगैरह होते हैं ना, वो आंटीज़ वगैरह हैं जो अपने ढोलक वगैरह बजा रही हैं, बस वही जो होता है, सब लोग आते हैं और यही सारी चीज़ चल रही है। उसके बाद में बहुत सारा डांस मस्ती धमाल भी होगा जो कि रात तक चलने वाला है। शाम से सारे फंक्शंस वगैरह स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे चाची भी डांस कर रही हैं, यहाँ पे आंटी रहती है, नेबर है, वो भी डांस कर रही हैं। तो यहाँ पे बस कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स वगैरह हमने रिकॉर्ड करी हुई थी, और इस टाइम पे क्या बताऊँ, मैं बेबी के साथ बिल्कुल भी मतलब नहीं हो पा रहा था मैनेज, नहीं तो मैं नीचे रह जा रही थी, सब लोग ऊपर थे, फिर नहीं तो किसी के पास छोड़ो उसको, बहुत ज़्यादा क्राइंग की हो रहा था, फिर साथ में सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, उसको टेरिस पर लेके नहीं आ पा रहे थे। बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करी थी। चलिए अब डांस सिखाते हैं आपको अपना थोड़ी सी क्लिप्स के साथ में। यहाँ पर ना इसको फीड करवाना था, तो हम नीचे लेके आ गए थे और मुझे ज़ोर से भूख लग रही थी, मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। और ये ना थोड़ा सा आज क्रैंकी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि ना काफ़ी दिनों बाद आई थिंक इससे पहली बार इतने सारे लोग देखे हुए हैं, और मतलब म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा था काफ़ी ज़्यादा लाउड, तो इस वजह से वो क्रैंकी हो रहा था। तो सब लोग उसको संभाल रहे थे, गोदी ले रहे थे, फिर भी शांत नहीं होता। फिर फाइनली सब ने गोदी लेने के बाद थोड़ा सा चुप हो गया था। और मैं आपको दादू गाइस की यथार्थ का इंस्टा अकाउंट है, अगर आप लोगों ने इसको फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, यथार्थ सिंह तोमर के नाम से है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी तो आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सी मैंने रील्स वगैरह भी पोस्ट करी हुई हैं इसकी। तो नीचे बेसमेंट में हो रहा है खाना वगैरह, तो हम खाना वगैरह खाएंगे वहाँ पे जाके, और उसके बाद में हम मिलते हैं, तो वहाँ का भी एक छोटा सा क्लिप दे देती हूँ मैं आपको। ये देखो आज यथार्थ से मिले, दादी आई है और यथार्थ रो रहा है। ओके तो गाइस आज का फंक्शन जो है वो हो गया है, और तेल मंडप वाला फंक्शन था छोटा सा, मैंने क्लिप रिकॉर्ड करा हुआ था। आई होप आपको पसंद आया होगा ब्लॉग। अब देखते हैं इस ब्लॉग को इसमें कंटिन्यू करती हूँ या फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट। तो अभी ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, आई थिंक 11 और 12 o'clock हो रहा था, तो मैंने ना सैलून सर्विस जो है वो घर पर ही बुक कर ली थी क्योंकि बाहर जाना तो इस टाइम पॉसिबल नहीं है मेरा, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एटलीस्ट क्लीन अप ले लेती हूँ, मैं फ्रूट क्लीन अप करवाया हुआ था मैंने, तो बस मैं वही पैक वगैरह लगवा रही थी। और जो यहाँ पे एक सर्विस देने के लिए थी, काफ़ी अच्छी सर्विस दे रही थी, काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे आप कि घर पे आप बुला लेते हो तो अच्छा रहता है ये चीज़, तो यस मतलब मैनेज नहीं हो पाता है बाहर इस वजह से। तो मैंने प्रेगनेंसी टाइम पर भी एक बार इसकी सैलून सर्विस ली हुई है। यहाँ पे तो ये देखो चाचू के साथ में जा ले हम, बाय 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 बाय, चाचू के साथ में जा ले हम, जब तक हम और काम कर ले तुम चले जाओ, बाय। ऊपर जा रहे हो? छोटा सा गुड्डा बन के सब जगह घूमता रहता है, सब जगह। रिवाज वाले कर्टन लगाते, कपड़े दिखाओ क्या लाई दादी, अच्छा इसको उसमें रैप कर दो, सर्दी से बचाएगा ना, छोटों के नहीं है, छोटों के महंगे, हाँ सर्दी से बचाएगा। माते के लिए ले आए थे हम, हाँ ये कलर अच्छा है, बहुत नया कलर ले आए दी, बुआ जी हाँ बोले आए, बड़ी लग रही है ये, बोलता है क्या बड़ी है ये वाला झूला, हाँ बड़ी
बाबा पे जाने, ये ना बाबा, तुम रुला के, रुला दे, वो अब कल चलो, चल, तुम बक